गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पर्स जो कि बिल्कुल हटके हैं और यह मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि यह होममेड है, यानी कि हाथों से बनाया हुआ है घर पे। अब इसके अंदर का मैं आपको स्पेस दिखाने जा रही हूँ कि इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस है कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और साइड में हम पॉकेट भी लगाना चाहे तो पॉकेट भी लगा सकते हैं और इसको हम इजीली घर पे बनाने का तरीका भी हम आपको बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी मेकअप किट। इस मेकअप किट के अंदर भी इतना ज़्यादा स्पेस है कि हम इसके अंदर बहुत सारा अपना मेकअप का सामान धर सकते हैं और इसको मैंने चैन बंद करके दिखा रही हूँ कि इसको हम चैन बंद करके इसको हम इजीली कहीं पे भी सेफ तरीके से रख सकते हैं जिससे कि हमारा सामान ना भी ही गिरे। मैंने मार्केट से बहुत सारी मेकअप किट लाई हूँ लेकिन वो जल्दी से ही फट जाती हैं। इसको मैंने घर पे बनाया है इसलिए मेकअप किट को इन्हीं नेटों को यूज करके और वूलन को अलग अलग यूज की है, जो भी मेरे पास वेस्ट पड़ी थी सभी वूलन वेस्ट यूज की हुई है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ऊन, जो भी आपके पास वेस्ट ऊन है। मैंने दो कलर के ऊन को यूज किया हुआ है क्योंकि मेरे पास यही वेस्ट पड़ी थी और इसके साथ ही मैंने वेस्ट क्लोथ और ये जाली का यानी कि नेट का यूज किया है। यह नेट हमें इजीली मार्केट में मिल जाती हैं और साथ ही चाहिए हमें सीजर और याद रहे इसके साथ हमें चाहिए नीडल, यानी कि जो इससे हम ऊन को सिलते हैं वो वाली नीडल चाहिए हमें, कपड़े वाली नीडल की नहीं चाहिए हमें, वूलन वाली नीडल। अब इन जाली को अपने हिसाब से जैसे कि आपको पर्स बनाना है छोटा या बड़ा, जैसे भी आपको शेप चाहिए पर्स की उस हिसाब से आप इसको कट कर लेंगे। अब हम कट करने के बाद जो तीन लेयर है तीसरी लाइन का जो छेद है नेट का उसमें हम सुई को पिरोते हुए इसके अंदर से एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स से निकालना शुरू करेंगे और इसी तरीके से एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स से डालते हुए इस पूरी जाली को कवर करेंगे, यानी कि पूरी जाली को हम ढक लेंगे ऊन से और यह पांच का बॉक्स बनता है। ये पांच का बॉक्स इस तरीके से बना है कि स्क्वायर साइज, यानी कि स्क्वायर में बॉक्स बनता चला जाएगा और यह पूरी जाली हमारी ऊन से ढक जाएगी। और जो भी आप ऊन यूज कर रहे हैं, जो भी वेस्ट ऊन है, जो भी आप कलर यूज कर रहे हैं उससे आप कोई भी कलर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या डार्क कलर से भी स्टार्ट करना चाहिए तो डार्क कलर से, या लाइट कलर से करना चाहिए तो लाइट कलर से हम इसको बॉक्स को जाली को स्क्वायर साइज में बना लेंगे। इसको हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर अच्छा लगा तो इसमें मैंने स्क्वायर बनाया है। अब इसी तरीके से हम पूरी जाली को ऊन से कवर कर लेंगे, पूरे में स्क्वायर बनाते चले जाएंगे, उसके ऊपर ब्लू कलर भी बनाते हुए चले जाएंगे। अब हमारे ये ऊपर के पार्ट हैं साइडों के, ये बन चुके हैं। ये हमारा चैन का पार्ट्स हैं, ये भी बन चुके हैं। ये साइड के पार्ट्स हैं और ये नीचे का पार्ट्स। अब हमारे जो ये पीछे गांठे या थ्रेड दिखाई दे रहे हैं ऊन, हम इसको ढकने के लिए, इसको कपड़े को ढकने के लिए हमें चाहिए कपड़ा। इस कपड़े को हम अच्छे से सारे पार्ट्स को हम लगा लेंगे और अच्छे से इनकी कटिंग कर लेंगे इन्हीं के साइज के हिसाब से। और साथ याद रहे हम चैन के पार्ट्स को अलग से कट करेंगे क्योंकि हमें चैन के पार्ट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा क्योंकि हम चैन जोड़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा कपड़ा यूज होता है, इसलिए हम थोड़ा फालतू कपड़े से कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि कपड़े को जोड़ना शुरू करते हैं जाली से। अब हमने इसके लिए वैसी सुई यूज करी है जो हम कपड़ों में यूज करते हैं ना सुई, और थ्रेड वो यूज किया हुआ है इन थ्रेड को में डाल के नीडल्स में, और इसको हम कपड़ों को जैसे सिलते हैं वैसे सिलना शुरू करा है हमने इसको, और इसको धीरे धीरे ऐसे ही पूरे को कपड़े को नेट से अटैच करते हुए जाएंगे। अटैच करते करते इसको पूरे को हम सिल लेंगे और जो भी हमारा वेस्ट कपड़ा होगा या एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम किस तरीके से फोल्ड करना है वो भी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें फोल्ड करना है अंदर की तरफ। अब देखो हमें इसको बिछा लेंगे ऐसे वेस्ट को, और इसके अंदर जो भी ये वेस्ट कपड़ा था हमने इसको अंदर की तरफ कर दिया जबकि हमारी थ्रेड है ये ना दिखे ताकि अंदर चले जाए सारी थ्रेड। अब हम चैन का पार्ट्स लगा रहे हैं। चैन के पार्ट्स के लिए पहले हम सीधी जाली लेंगे और कपड़े को उल्टा रखेंगे, और जो हमें बाकी के सभी पार्ट्स जोड़े हैं ना सेम इसी तरीके से सभी पार्ट्स को जोड़ते हुए चले जाएंगे, सेम अटैच करना है क्योंकि हमने पहले सीधे को पार्ट्स को यूज किया है लेकिन एक बार हम उल्टा यूज करेंगे। उल्टा यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बाद में इस कपड़े को सीधा करके इजीली हमारी चैन को अच्छे से साफ़ सुथरी चैन लग सके और आसानी से लगा सके हम चैन को।
अब हमने ये सिल लिया है, आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको सिला है। हमने इसको सिल के अच्छे से ये पूरे को सिल लेंगे। सिलने के बाद इसको हम कपड़े को उल्टा कर देंगे, यानी कि हम सीधा हो गया भी हमारा कपड़ा, उल्टा कपड़ा हमारा सीधा हो गया। और जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इस पर हम चैन चिपकाएंगे, यानी कि चैन को अटैच करेंगे। उससे पहले हम अटैच करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, कपड़े को अच्छे से पेस्ट करेंगे, यानी कि कपड़े को अच्छे से सिलाई मार लेंगे ताकि हमारा जोड़ ना आए कपड़े में और हमारी चैन भी सफाई से लग सके। इसको हम ऐसे करते हुए धागे को निकालते हुए और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी, तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की फोल्ड इसलिए किया है ताकि हमारा जो भी कपड़ा था वो बाहर की तरफ कटिंग करेंगे तो थ्रेड आएगा ये का चैन में, तो जैसे हमारी चैन जल्दी ख़राब हो जाएगी। हमारी चैन जल्दी ख़राब ना हो इसलिए हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलना शुरू करेंगे। और हमारा जितना भी पार्ट्स था जाली का, कपड़े का, वो सब सिल लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर करते हुए सिलते हुए इसको पूरा कवर कर लेंगे और चैन के दोनों पार्ट्स को ऐसे ही सिलते चले जाएंगे। अब हमारे दोनों पार्ट सिल चुके हैं चैन के, अब हम इसमें चैन लगाना शुरू करते हैं। चैन के लिए हमने ली है चैन, वो मेरी दूसरी चैन थी, गलती से आ गई थी, इसने मैंने दूसरी चैन को लिया है। इस चैन को लेकर हम इसको सिलना शुरू करेंगे। इसको सुई से भी सिल सकते हैं या फिर हाथ से भी, लेकिन ध्यान रहे कि ये आगे पीछे ना हो, इक्वल हो, यानी कि जाली इक्वल रखनी है हमें, ऊपर नीचे अच्छे से निशान लगा लेंगे ताकि हमारी ये नेट है जो हमने परस की जाली है, चैन है, इसमें बैलेंस बना रहे, यानी कि इक्वल है। क्योंकि अगर हमारी आगे पीछे जाली हो गई तो हमारी अच्छे से नहीं बन पाएगी, यानी कि हमारे में चैन में दिक्कत आएगी, खोल बंद करने में झोल सा आ जाएगा। इसलिए हम पहले निशान लगा लेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। अब हमारे ये सिल के तैयार होने के बाद इसको हम चैन को खोल के देखेंगे कि हमारी चैन खोल बंद करने में दिक्कत तो नहीं आ रही। हमारा खोल बंद करने के बाद हम पैक को आपस में पार्ट्स को सभी को जोड़ेंगे। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, उसको हम जोड़ेंगे ऊन वाली सुई के साथ, ऊन सिलने वाली, ऊन की सिलने वाली सुई को लेंगे और आप वूलन से इसको ऐसे अटैच करते हुए सिलते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारा ये पर्स आपस में सभी पार्ट्स है ना वो सब अच्छे से जुड़ जाए। और जाली में से लेते हुए आपको जूम करके दिखा रही ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और जाली से दूसरी जाली में सुई को निकालते हुए थ्रेड को उनको ऐसे खींच लेंगे ताकि हमारा ये आसानी से जुड़ जाए। और जितना अच्छे से हमारा जुड़ेगा पर्स भी, उतना अच्छे से हमारी बाहर से लुक अच्छी लगेगी, हमारी पर्स की लुक है। और एक बात और, हम इस पर्स को इतना अच्छे से बनाया है ना, और इसकी मैं एक बात और बताना भूल गई, इस पर्स को हम इजीली घर में वॉश भी कर पाएंगे। इसको ऐसा नहीं है कि हम वॉश नहीं कर सकते, हम इसको इजीली घर पे वॉश भी कर सकते हैं। इस पर्स को हम सर्फ के पानी में निकाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी सफाई हो सकती है पर्स की। और साथ में ही अच्छे से हमने ये पार्ट जोड़ लिया है, अब हम नीचे का पार्ट्स में बताती हूँ कैसे जोड़ें। अब हम नीचे का पार्ट्स भी सेम इसी तरीके से जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप आसानी से इजली आपको जोड़ने में मदद हो सके। पहले हम लेफ्ट से और फिर राइट से, जैसा चाहें आप इसको जोड़ लेंगे। इसको सेम तरीके से ही जोड़ते हुए चले जाएंगे और बाकी के सभी पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। अब हमारा ये सभी पार्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं, आप देख पा रही है कैसे हमारा ये परस का नीचे का पार्ट्स बन चुके हैं। अब हमारा रहता है चैन का पार्ट्स, लेकिन चैन का पार्ट्स हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले जो हमने सिला है पर्स को पिंक कलर से, अब हम इसको ब्लू कलर से भी सिलेंगे। हमने ब्लू कलर का यूज इसलिए किया है ताकि हमारी वाइट जाली दिखाई दे रही है ना, ये ना दिखे, तो जो हमने कलर यूज किए हैं उनको भी बाहर से अट्रैक्टिव और आकर्षित लगे हमारा पर्स। और जिसे हमें यू इसलिए भी फ़ायदा होता है सिलने से, क्योंकि मजबूत काम भी हो जाता है, हमारा पर्स जल्दी से ख़राब नहीं होएगा या टूटेगा नहीं। वैसे तो टूटने वाली चीज़ है ही नहीं है, मजबूत काम है, लेकिन फिर भी हम इसको इतने अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि इसके अंदर का सामान भी बाहर ना निकले और बाहर से अच्छे से बन भी जाए हमारा पर्स। इसको ऐसे ही सिलते हुए चले जाएंगे, जैसे हमने पिंक कलर सिला था ऐसे ही हम ब्लू कलर भी सिलते हुए धागे से चले जाएंगे। और हम इसको सिलते हुए पूरे को बॉक्स को रेडी कर लेंगे। अब हमारा ये रेडी होने होता रहेगा, तब तक हम इसको
जब तक हमारा वो रेडी हुआ है तब तक हम इसके लिए बनाएंगे डोरी, यानी कि ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल। अब हमने मैंने दोनों कलर का यूज़ किया है, दोनों वूलन का यूज़ किया। आप जितनी वूल भी यूज़ करें उन सभी को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेके एक अच्छी सी हैंडल यानी कि पकड़ने के लिए बनाएंगे। अब इसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी डोरी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से डोरी बनाई है जो कि मुझे फेवरेट डोरी है। चोटी टाइप में मैंने इसको चोटी के टाइप में गूँथा है। उससे गूँथने से पहले हम पहले सभी वूलन को सीधा कर लेंगे ताकि कहीं भी हमारा एक भी थ्रेड यानी एक भी वूलन का पार्ट बाहर ना रहे, सीधी इक्वल पार्ट कर लेंगे वूलन का पार्ट को सीधे से अच्छे से फैला के वूलन को अच्छे से हम इसके तीन पार्ट इक्वल पार्ट कर लेंगे। तीन इक्वल पार्ट इसलिए करेंगे ताकि हमारी चोटी अच्छी बने, सुंदर बने, कहीं से मोटी या पतली ना बने और जल्दी से टूटे भी ना हमारी चोटी यानी वूल। अब हम इसको देखो हमारी चोटी गुत्ती जा रही है, अब हमारी चोटी के टाइम में इस वूलन को गुत्ते जा रहे हैं। देखो हमारी चोटी यानी कि ऊन तैयार हो चुकी है, यानी कि लड़ी पकड़ने का हैंडल वो हमारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरा भी हैंडल तैयार कर लेंगे। और जैसे हमने वो पर्स का ऊपर का पार्ट थोड़ा सा मैंने स्टिच कर लिया है, इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि हम हैंडल कैसे लगाएं। अब हमने स्टिच किया, अब हैंडल को ऐसे एक तरफ रखेंगे, लेकिन हमें पार्ट का ध्यान रहे हैंडल को कि इक्वल पार्ट होने चाहिए, यानी कि इक्वल कि हमारा बैलेंस ख़राब ना हो पर्स का, आगे पीछे या छोटी ऊँची नीची ना लगे हमारी। पहले हम इसको नाप लेंगे हैंडल को, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। अब हम इसको जैसे कि स्टिच करते आ रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से ये भी स्टिच होता जाएगा हैंडल। और इसके स्टिच करने के बाद, सिलने के बाद बाकी भी सभी पार्ट्स को सिल लेंगे और जो साइड के पार्ट्स हैंडल हैं वो भी जोड़ लेंगे। थैंक यू।